कोरोना महामारी पर वार करने के लिए दुनिया के कई देशों ने वैक्सीन बनाई, जिसमें भारत भी शामिल। सभी देशों की कोशिश है कि उनके हर नागरिक तक कोरोना वैक्सीन पहुंच सके, जी हाँ दोस्तों, ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। लेकिन कुछ कंपनियों की वैक्सीन इतनी महंगी है कि हर किसी तक यह आसानी से नहीं पहुंच पाएगी। कीमत के लिहाज से कोरोना वैक्सीन को देखें तो इसमें भारत सबसे सफल रहा है। भारत की वैक्सीन दुनिया में सबसे सस्ती है, जबकि चीन की वैक्सीन दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी है। यही नहीं, भारत ने सबसे कम वक्त में कोरोना की वैक्सीन तैयार की है, जबकि चीन जैसे देश को पूरा वक्त मिला है। जिस तरह से चीन हर प्रोडक्ट को कम कीमत में उतार कर मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है, वैसा कोरोना वैक्सीन के मामले में नहीं होने वाला है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी चीन की वैक्सीन है। अगर भारत से चीन की वैक्सीन की तुलना करें तो करीब 9 गुना ज्यादा महंगी चाइनीज वैक्सीन है। ऐसे में दुनिया के तमाम देश जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, वो भारत की तरह एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत में तैयार दोनों वैक्सीन दुनिया में सबसे सस्ती है। भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत कुल 250 रुपए प्रति डोज रखी गई है, जिनमें 150 रुपए वैक्सीन की कीमत और 100 रुपए सर्विस चार्ज। इस कीमत पर भारत में प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। फिलहाल दुनिया के 9 देशों में कोरोना की वैक्सीन बनाने में सफलता मिली है, लेकिन कीमत के मामले में सबसे सस्ती भारत की वैक्सीन है, जबकि चीन की वैक्सीन सबसे महंगी है। आपको बता दें कि चीन की वैक्सीन कोरोना वैक की एक डोज की कीमत 2200 रुपए है। इसे चाइनीज कंपनी साइनोवैक ने बनाया है। आपको बता दें कि अमेरिकी वैक्सीन BNT162 की प्रति डोज भारतीय मुद्रा के हिसाब से कीमत 1400 रुपए से अधिक है। इसे अमेरिकी कंपनी फाइजर ने तैयार किया है, जबकि यूरोपियन द्वारा बनाई गई वैक्सीन mRNA-1273 की प्रति डोज की कीमत 1300 रुपए है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की कीमत प्रति डोज 730 रुपए है, जबकि सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका में कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज की कीमत 390 रुपए है। वहीं ब्राजील में कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज की कीमत 370 रुपए तय की गई है। गौरतलब है कि भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण 1 मार्च को शुरू हो गया है। यह टीकाकरण अभियान 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की कीमत निर्धारित कर दी है। प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की वैक्सीन की कीमत 250 रुपए प्रति डोज तय की गई है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।